शुमाली वजीस्तान में एक बार फिर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। फायरिंग के नतीजे में एक सिपाही जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान को बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर बनाना होगी। 2023 का इलेक्शन जीतकर पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। बलोचिस्तान में जियाला वजीर आला लाएंगे। बिलावल भुट्टो का कोयटा में ऐलान। कहते तहरीक इंसाफ और नून लीग की नजरें बलोचिस्तान के हकूक और मसाइल पर हैं। पीपल्स पार्टी इकतदार में आकर बलोचिस्तान के मसाइल हल करेगी। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। कोयटा में जलसे से खिताब। अब्दुल कादिर बलोच, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और दीगर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम। GB4 ज़िम्नी इंतखाबी मार्का। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक तहरीक इस्लामी के अय्यूब वजीरी ने मैदान मार लिया। 5341 वोट लेकर कामयाब। PTI के आगा बहिश्ती 5082 वोट ले सके। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तैयारी पर शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा, ऐसे इलेक्शन होंगे तमाम उम्मीदवार नतायज तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब काबीना में रद्दोबदल और अहम अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। सच्चे दिल से 10 साल तहरीक इंसाफ की खिदमत की, लेकिन मेरे लिए जो हालात पैदा किए गए इस पर बहुत दुख है। जहांगीर तरीन का शिकवा। साथ देने पर कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोधरा में खिताब। NCOC की तश्कील के 500 रोज मुकम्मल। वजीर आजम आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा की NCOC के किरदार की तारीफ। टीम को खराज तहसीन पेश किया। सरबराह NCOC असद उबर ने दस्तावेजी फिल्म शेयर कर दी। डॉक्यूमेंट्री में वबा पर काबू पाने की हिकमत अमली और हुकूमती पॉलिसी पर तफसीली रोशनी डाली गई। उमरा जायरीन के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब आज दरख्वास्तें वसूल करेगा। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के जायरीन को किसी दूसरे मुल्क में 14 रोज करंतीना में रहना होगा। सिर्फ मुमलिकत की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को उमरे की इजाजत होगी। विमेन यूनिवर्सिटी बाग में तालिबात को हिरासत में ब्लैकमेल करने पर मरकजी मुलजिम पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम ने दस्तावेजात बनवाने का झांसा देकर ताल्लुकात इस्तवार किए। वीडियो बनाई, ब्लैकमेल करता रहा।